विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए डॉक्टर सतीश पूनिया का नवाचार, 3 जून को आयोजित होगा रोजगार मेला। डॉक्टर पूनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से 3 जून को कुकस में आयोजित होने वाले रोजगार मेला में पहुंचने की अपील की। डॉक्टर पूनिया ने पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ रोजगार मेला की टी शर्ट की लॉन्चिंग की। रोजगार मेला में तमाम प्रतिष्ठित कंपनियां रोजगार उपलब्ध कराएंगी, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। आमेर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए 3 जून को कुक्कस में आयोजित होने वाले रोजगार मेला की जयपुर स्थित जनसंवाद केंद्र राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ टी शर्ट की लॉन्चिंग की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 3 जून को कुक्कस के आर्या कॉलेज में आयोजित होने वाले रोजगार मेला को लेकर विस्तार से चर्चा कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाइडेंस के अभाव में अनुभवी एवं दक्ष ग्रामीण युवाओं को रोजगार के संकट से जूझना पड़ता है, लेकिन आमेर विधानसभा क्षेत्र में 3 जून को विशेष रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा और इसके माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें ऐसे युवा लाभान्वित होंगे जो ITI स्किल्ड 10वीं एवं 12वीं पास और तकनीकी और ग्रेजुएट है। स्वरोजगार की प्रेरित करने वाले उपायों पर विचार करते हुए बड़ी कंपनियों से संपर्क कर आमेर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को लाभान्वित करने का नवाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आमेर, जयपुर और राजस्थान में टूरिज्म एवं विभिन्न क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। रूरल टूरिज्म का राजस्थान में समुचित तरीके से विकास नहीं हुआ, जबकि दक्षिण भारत में इससे काफी लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अब 3 जून को आमेर विधानसभा में आयोजित होने वाले रोजगार मेले को लेकर 26 मई से 30 मई तक अलग अलग ग्राम पंचायतों में कार्यकर्ताओं की टीमें जाएंगी। रोजगार मेले के लिए युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करेंगी और जो युवा किसी कारण से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते, वो 3 जून को रोजगार मेले में पहुंचकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस मेले में तमाम प्रतिष्ठित कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, जो रोजगार उपलब्ध करवाएंगी। इससे बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। आमेर हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साल 2013 से 18 तक 1500 करोड़ के विकास कार्य हुए और 2018 से 23 तक 2500 करोड़ के विकास कार्य केंद्र की मोदी सरकार, विधायक कोष और भामाशाहियों के सहयोग से कराए गए हैं, जो आगे निरंतर जारी रहेंगे। साल 2018 का मतदान मेरी परफॉर्मेंस, मेरे व्यवहार और क्षेत्र में सक्रियता का वोट था। ऐसे में आमेर की जनता ने जीत का तिलक लगाया और फिर भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए आमेर की धरती मेरे लिए शुभ है। आमेर की जनता के आशीर्वाद से मुझे नई ऊर्जा और ताकत मिलती है। आमेर मेरा परिवार है। नव भारत समाचार, आमेर राजस्थान से अरुण मुद्गल की रिपोर्ट। और पार्टी मेरी है तो हमारे स्तर का इसमें जो आमेर की भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब इसमें बराबर सहयोग करें, लेकिन इसमें खासतौर पर मदद करना युवा मोर्चा। योग्यता इसमें 10वीं से लेके 12वीं और ITI, कुछ जॉब्स 8वीं के भी हैं, लेकिन बेसिक 10वीं से 12वीं और ITI तीन तरीके के इसमें है। मैंने जैसे कहा टेक्निकल लोग भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, सिंपल ग्रेजुएट भी है, साइंस ग्रेजुएट भी है, इसमें बीटेक भी है, बीकॉम, बीबीए, मतलब जो ग्रेजुएट के जो लोग हो सकते हैं उसमें, जैसे फार्मा कंपनियों के लिए एम फार्मा के लिए भी है, बी फार्मा के लिए भी स्कोप है। एक पूरी करी सेवन तो उसमें जब जाएंगे आप अपनी जो सीवी भरेंगे तो उसके हिसाब से स्क्रूटनाइज होके आपको और उसमें कॉल आ जाएगा। ये PMKVY MSDC से संबंधित जो युवा कोर्स कर चुके हैं उनको कोई प्रायोरिटी मिलेगी? ये कंपनियों पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी तरफ से हम जो तैयारी करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो एक्स्ट्रा स्किल्ड लोग हैं उनको प्रायोरिटी मिले। एक बार ये पहला प्रयोग है, ये सफल होता है तो फिर जयपुर जिले के लिए आगे इसको हम लोग कोशिश करेंगे। जो विद्यार्थी ITI करना चाहे वो ITI करे या ट्रेनिंग ले, उसी को हम यहाँ पे अब्सॉर्ब करेंगे। तो ऑफर है ताकि इस तरीके के जो 12वीं के बच्चे आएंगे जो ITI करना चाहेंगे उनके लिए सुजुकी के ऑफर है। इसको एक भविष्य के काम का फीचर भी बनाएंगे, क्योंकि मैं और मेरे बहुत सारे मित्र इस, और आप लोगों में से भी बहुत लोग इससे वाकिफ होंगे कि दक्षता है लेकिन उसको गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस है लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। और आजकल सर्विस सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आप देखते हो कि हमारे यहाँ बाहर से बहुत लोग नौकरी करने आते हैं, हमारे अपने कई रीजनल फैक्ट्रियों में कई इस तरीके की जगह पूछेंगे तो पता लगेगा उत्तर प्रदेश के हैं, उड़ीसा के हैं, कहीं के हैं।
हम अपने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि रास्ता खुलता है। दूसरा मैं देखता हूँ देश के दूसरे हिस्सों में भी जाता हूँ तो पता लगता है कि अपना व्यक्ति बहुत दूर है, आगे हमारे काम का हिस्सा बने, इसकी कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ जो संभावना है।